उत्तराखंड की आराध्य देवी राजराजेश्वरी मां नंदा देवी का अपने ननिहाल पहुंचने पर पूरे बधान पट्टी में हर्षोल्लास बना रहा। अगले 6 महीनों के लिए बढ़ान की लाडली नंदा अपने ननिहाल देवराडा सिद्धपीठ में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन आशीर्वाद देंगी। यहाँ पूरे बढ़ान क्षेत्र में 6 महीने उनकी लाडली आराध्य देवी मां नंदा के सानिध्य में रहने से चारों ओर खुशियां छाई हुई हैं। नंदा का मायका सिद्धपीठ कुरुड़ से शुरू हुई नंदा देवी राजराजेश्वरी की लोकजात यात्रा बीते सप्तमी के बाद वेदिनी कुंड से विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए सिद्धपीठ देवराडा पहुंची, जहां उपस्थित हजारों नंदा भक्तों ने माता के जयकारों, पुष्प अक्षत वर्षा कर देवी की उत्सव डोली का स्वागत किया। नंदा देवी की डोली मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही महिला पुरुषों पर देवी देवता ने अवतरित होकर अपने भक्तों को दर्शन आशीर्वाद दिए। दूर दूर से आए नंदा भक्तों ने मां नंदा की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी हैं। अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कर मां नंदा देवी की डोली को 6 महीनों के प्रवास के लिए मंदिर गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। आज बरहाण की इष्ट कुल देवी नंदा देवी राजराजेश्वरी सिंहवाहिनी आदि स्वामिनी भगवती नंदा हमारे देवराड़ा थान में पहुंच चुकी है। भगवती माता नंदा देवी राजराजेश्वरी का मायका सिद्धपीठ कुरुड़ में है, जहां सर मां की यात्रा का शुभारंभ 23 अगस्त को हुआ था। तत्पश्चात अमुक्ता भरणी नंदा सप्तमी वेदिनी कुंड में करके भगवती आज अनंत चतुर्दशी के दिन अपने मामा को देवराड़ा थान में यहाँ पर रहवासा 6 माह के लिए ले लेंगी। जैसी पद्धति केदारनाथ बद्रीनाथ की है, जो 6 माह बंद होते हैं, 6 माह उनकी पूजा भगवान करते हैं और 6 माह उनकी पूजा नर करते हैं, वैसे ही भगवती नंदा 6 माह अपने मायके में रहती है और 6 माह बधाण में रहती है, जहाँ पर भगवती की पूजा 6 माह यहाँ पे 14 सयाणों के द्वारा की जाती है और कुरूर के कान्यकुब्ज गौड़ भगवती को यहाँ पे पूजते हैं और ऐसे ही कुरूर से कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण यहाँ चल के आते हैं और यात्रा भगवती को यहाँ पे स्थापित करते हैं। सन 1599 से देवराड़ा गूंट गाँव में भगवती स्थापित है, जो वैकल्पिक सिद्धपीठ है हमारी, क्योंकि बधानगढ़ी में पहले भगवती माता रहती थी। भगवती का स्थान दक्षिणेश्वरी काली बधानगढ़ी मंदिर में था, तो कुछ समय के हिसाब से, उस समय की युद्ध लड़ाइयों के हिसाब से समय से, तो भगवती को यहाँ पे गुड़गांव में स्थापित किया और तभी से ये परंपरा यहाँ पर निर्वाह हो रहा है हमारे पूर्वजों के द्वारा। जय जय नंदी का ननिहाल जो है वो देवराड़ा माना जाता है, क्योंकि ऋषियों की भूमि, ऋषासों की भूमि है ये, तो ऋषियों की ध्यान पुत्री थी नंदा, तो इसलिए हम लोग भगवती को अपनी ध्यान मानते हैं, ब्याई हुई बेटी मानते हैं।